जय हिंद बच्चों, पेयरस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उससे पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों को नहीं पता है तो उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन, हमारा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन रटाना नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसको दे दें, आपको उसको यहाँ पे सॉल्व कर दें, वो आप याद कर लीजिए, वो आप उसको रट लीजिए या समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ में आपको वो आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस चीज़ के बारे में भी जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिकली प्रश्नावली 4.3 जो प्रश्नावली 4.3 है ये आपके रिलेटेड है ग्राफ से। क्या है ग्राफ? पेपर में आपको मतलब कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे देता है, क्या कर देता था, कोई इक्वेशन आपको दे दे, सपोज दैट आपको ऐसे दे दे कि x प्लस 2y बराबर दे दिया है, आपको 6 दे दिया है। इन केस आपको दे दिया है x प्लस 2y बराबर 6 और आपसे ये पूछता है कि आप इस समीकरण को आप ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। इसी के लिए निर्देशांक ज्यामिति बनाई गई थी और निर्देशांक ज्यामिति में हमने आपको ये चीज समझाया था कि मतलब कोई भी इक्वेशन दे देता है उसको हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी लाइन का इक्वेशन हम दे देता है, हमारे पास कोई भी समीकरण दे देता है, उस समीकरण को हम ग्राफ पेपर में कैसे निरूपित करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं। जब भी कभी सपोज दैट आपको ऐसे ही इक्वेशन देगा और आपसे बोलेगा कि इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करो, ठीक है, तो ग्राफ पेपर में निरूपित करने के लिए बहुत आसान आपके लिए है। क्या है कि यहां से क्या करिए, सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए, आप पहले एक चार्ट ऐसे थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये आप चार्ट बना लेंगे ऐसे, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऊपर x लिखेंगे या नीचे x लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहां आप x लिखिए या y लिखिए, ओके। अब इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं हम तीन बॉक्स में डिवाइड कर लिए, कर लिया तीन बॉक्स में डिवाइड। अब क्या करना है, यहां से या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। तो मान उसी का निकालने की हम कोशिश करते हैं जिसका गुणांक कुछ नहीं रहता, जिसका गुणांक कुछ नहीं रहेगा उसका मान निकालेंगे। इन केस कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का गुणांक दिया है, जब दोनों का गुणांक दिया रहेगा ना तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर यही है कि किसी का गुणांक नहीं दिया है तो हम उसी का मान निकालते हैं। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्स का गुणांक नहीं दिया है, इसका मतलब एक्स का मान निकाल लेंगे किसके, वाई के पदों में, तो एक्स बराबर यहां पर तो सिक्स है और टू वाई जब उस तरफ जाएगा तो माइनस टू वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 2y। तो आपने x का मान निकाल लिया, कितना आया x का मान, x का मान आ गया है 6 माइनस 2y, ये आ गया है 6 का मान। अब यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, सुनिए, केवल सुनिएगा ध्यान से आप लोग। अब यहां पर x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए y का आप कुछ भी मान रख सकते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि जब दो चर के रैखिक समीकरण होता है तो उसके मान कितने होते हैं, उसके अनंत मान होते हैं। y की जगह पे 50 रखेंगे तब भी x का मान कुछ आ जाएगा, y की जगह पे 50 लाख रखेंगे तब भी x का कुछ ना कुछ मान आएगा, y की जगह पे आप 0 रखेंगे तो भी x का कुछ ना कुछ मान आएगा, y की जगह पे आप निगेटिव में कोई भी संख्या रखेंगे तब भी x का कुछ ना कुछ मान आएगा। इसका मतलब y का कुछ भी मान रखने से x का मान मिलेगा, ये तो श्योर है, लेकिन y का कौन सा मान रखें। तो आप अपने दिमाग से सोचिएगा, y की मान छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी रख सकते हैं, लेकिन जो आपको मान मिले ना वो एक अंतराल पर मिले। एक अंतराल का मतलब कि अगर y का मान रखने से x का मान बड़ा मिल रहा है तो आपको ऐसा सोचना है कि x का मान बड़ा ही मिलता जाए, क्योंकि जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना तो स्पेस देना, जैसे 1, 2, 3 का स्पेस देते हैं हम लोग, तो वहां पे हम 10, 20, 30 का स्पेस दे सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करिए, x बराबर आप 0 रख दीजिए, सॉरी y बराबर आप 0 रख दीजिए। तो y बराबर 0 रखने पर, तो अगर आप y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x का क्या मान आएगा। हम y बराबर 0 रखे हैं, आप y का मान कुछ भी रख सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि मान रखने पर आपको जो मान मिले x का ना, वो आपको ग्राफ पेपर में आसानी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दशमलव में ना पहुंच जाए। दशमलव में पहुंच जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत आ जाएगी। तो कोई ऐसा मान रखिएगा जिससे मान पूर्णांक में मिलेगा। ओके, तो y का मान अगर हम जीरो में रखें तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, x बराबर अगर y का मान हम जीरो रख रहे हैं तो दो मल्टीप्लाई जीरो, इसका मतलब दो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो x का बराबर कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान जीरो रखने पर x का कितना मान आया है, छः आया है। तो रख दीजिए y बराबर जीरो रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है छः। आपको एक देखिए मिल गया, एक निर्देशांक आपको मिल गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर अगर y बराबर एक रख दें, y बराबर क्या रख दें, एक रखेंगे तो दो एक अंदर दो हो जाएगा और छह में से दो माइनस होगा तो चार आ जाएगा। तो y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, तो चलिए हम y बराबर दो रख के चेक करते हैं। y बराबर चलिए एक रखते हैं यार, एक रखने पर, रखने पर तो y जब बराबर एक यहां पर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह पे एक रखेंगे तो एक हो जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस 2 x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब y का मान अगर एक रख रहे हैं तो x का मान कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है, 4 मिल गया। अब यहां पर एक चीज और सुन लीजिए, ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए आपको कम से कम दो निर्देशांक चाहिए ही चाहिए, कम से कम दो निर्देशांक चाहिए। अगर दो निर्देशांक आप निकाल लेते हैं तो आप इस लाइन को या इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सुविधा के लिए हम बता दें कि अगर आप दो मान निकाल के भी ग्राफ में निरूपित कर देंगे तो भी सही माना जाएगा, दो से लेकर 2000 तक लगा निकाल देंगे तो भी सही माना जाएगा, कितना भी निकालेंगे सही माना जाएगा, लेकिन कम से कम आपको दो निकालना रहेगा। अभी ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उसमें और अच्छे समझाएंगे आपको। चलिए तो हम एक अगर बॉक्स बना लिए हैं तो एक और निकाल लेते हैं। अब यहां पर क्या कर दीजिए, y बराबर दो रखने पर, y बराबर दो रखने पर, तो अब जब y बराबर यहां पे दो रखेंगे बच्चों तो देखो x बराबर 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, x बराबर ये 6 रहेगा और ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 निकल जाएगा तो 2 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर y बराबर 2 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, x का मान भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब ये देखिए, अब आपको बनाना है ग्राफ पेपर, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। ये आपकी लाइन होती है x अक्ष, ये आपकी लाइन होती है y अक्ष। ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा और यहां वैल्यू देखिए, यहां की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है, तो चारों दिशाओं में आप 6-6 बना दीजिए। मैक्सिमम 6 दिख रही है, यहां से देखा करिए, यहां मैक्सिमम 6 है, इसलिए आप चारों दिशाओं में 6-6 बना दीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 हो गया, 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर भी 6 बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तब आप ज्यादा अच्छा बना पाएंगे जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना, तब एग्जैक्ट बनता है। और वैसे आप बनाइए तो स्केल लेकर बनाइए करिए, मतलब जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की लीजिए, वही यहां से यहां तक, वही यहां से यहां तक, और उतनी ही दूरी इधर इधर लेना है। ठीक है, नीचे पीछे बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, इधर भी बना दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब आप जानते हैं कि ये निगेटिव में है और ये सब किस में है, निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है और ये पॉजिटिव में है, मतलब इधर की सारी वैल्यू निगेटिव में, इधर की सारी वैल्यू निगेटिव में। तो लेकिन हमको निगेटिव में कुछ नहीं लाना है तो इनसे हमारा मतलब ही नहीं है, हमारा केवल पॉजिटिव पॉजिटिव से मतलब है। देखिए यहाँ पर अब कैसे, तो इसका मतलब है कि जो ये 6, 0 है तो इसका मतलब हो गया 6, 0। एक निर्देशांक ये मिला है, दूसरा निर्देशांक मिला है 4, 1, तो 4, 1, और तीसरा निर्देशांक मिला है आपको 2, 2। इसी को क्या करना है, अब आप अच्छे से जानते हैं, एक्सरसाइज 3 आपने पढ़ा है, तो 6, 2 को आप ग्राफ पेपर में क्या कर दीजिए, निरूपित कर दीजिए। तो इसका मतलब हुआ x बराबर 6, तो x की दिशा में आप 6 जाइए, तो x की दिशा में आप 6 जाएंगे तो यहां पर पहुंच गया,
पहुंच गए आप। अब वाई की जगह पे कितना जाना है, जीरो। तो वाई की जगह पे मतलब कुछ नहीं जाना है, तो वाई का मान यहीं पर रहेगा। तो इनका जो मिलन बिंदु होगा वो मिलन बिंदु यही होगा, समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये जो 6.0 है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6.0, किस बिंदु का, इस बिंदु का। अब इसका नाम हम दे दें तो इसका नाम दे दें हम ए, एक बना लिया हमने। दूसरा बनाते हैं 4.1, इसका मतलब एक्स का मान 4, तो एक्स की जगह एक्स की तरफ आप 4 जाइए तो 4 यहां पर आ गए। वाई की जगह पे आप 1 जाएंगे तो वाई का मतलब यहां पर 1 गए। अब क्या है, इन दोनों कहां मिलते हैं, तो इसको इधर बढ़ा दीजिए आप, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए आप। ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो बिंदु आपका ये मिल रहा है, तो ये लाइन को हम बनाएंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए, इसको फिर मिटा देंगे हम। ओके, तो ये बिंदु आपका 6, और ये आप उनका मिला है 4.1, और इसका नाम हम दे देते हैं बी बिंदु। अब अगर केवल आपके पास दो ही बिंदु रहता, केवल आप यही दो निकाले रहते, तो क्या करते, एक स्ट्रेट लाइन स्केल लेते और स्केल से इसको मिला देते और इसको थोड़ा सा पीछे भी कर देते और आगे भी बढ़ा देते। लेकिन जो कि आपने 3 पॉइंट किया है तो आप तीसरा पॉइंट भी निकाल लीजिए, मतलब एक्स का मान कितना है 2 है, तो एक्स का मान आप 2 चले जाइए, यहां पर आएंगे। वाई का मान कितना है 2 है, तो वाई का मान आप 2 चले जाइए यहां पर। तो ये दोनों मिलेंगे किस जगह पे, तो इन दोनों मिलेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो इसको भी आप इरेज कर दीजिए, इसको भी आप इरेज कर दीजिए। तो ये तीनों बिंदु देख रहे हैं। अब आप अगर स्ट्रेट लाइन से इन तीनों को मिलाएंगे तो देखिए, इन तीनों को पहले ऐसे मिला दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए। अब ये जो बन रही है ना, यही लाइन है, यही मतलब इसी को निरूपित करना था। और यहां पर हमारा जो थोड़ा कर्व के तरह बन रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन होगा, सेम ऐसे होगा, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि कोई इक्वेशन दे दे आपसे और आपसे बोले कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे दिखाओ, तो आप इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन अब आप लोग कर ले जाएंगे, जो प्रश्नावली 4.3 है। अब प्रश्नावली 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है कि इसके 4 पार्ट दिए गए और चारों पार्ट को आपको क्या कर देना है, ग्राफ पर निरूपित करना है। तो आप अगर इसको अच्छे समझ गए हैं तो आप ये चारों पार्ट को कर लेंगे, लेकिन डरिए नहीं, ये चारों पार्ट हम कराएंगे भी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं और आपको करना क्या है, इसमें ग्राफ खींचना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो चरों वाले निम्न रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख अगर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है आपको ग्राफ के बारे में बोलना है। आलेख को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, ग्राफ। ओके, तो कभी कभी हिंदी के टर्म इतने कठिन हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो आलेख को हम क्या कह सकते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए बोला है। तो अभी हमने आपको समझाया कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोऑर्डिनेट, निर्देशांक चाहिए, ठीक है। तो निर्देशांक कैसे निकलते हैं, उसका तरीका भी हमने बताया है कि इसमें में से किसी एक का मान रख के दूसरे का मान आप निकाल सकते हैं, कुछ भी मान रख के। तो सबसे पहले आलेख बनाने के लिए बच्चों आप एक ऐसे एक चार्ट बना लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा इतना, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और कम से कम दो मान तो आपको चाहिए ही, लेकिन आप तीन मान निकाल लेंगे तो ज्यादा सही है। कम से कम दो मान चाहिए, दो मान से भी आपका क्वेश्चन एकदम सही आएगा। एक्स और वाई, हमने एक चीज बताया था, यहां से किसी एक का मान रखते हैं, दूसरे को उस तरफ लेकर चले जाते हैं और उस नंबर को इस तरफ रखते हैं जिसका गुणांक कुछ नहीं होता है। इसको ध्यान से देखें तो दोनों का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम दोनों को इस तरफ रख सकते हैं, दो में से किसी एक को, चाहे एक्स को इधर रख लीजिए चाहे वाई को इधर रखिए। तो चलिए हम एक्स को रखते हैं, वाई को उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर 4-y होगा, ठीक है। अब एक्स का कुछ भी मान आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम सबसे पहले क्या रखते हैं, एक्स बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स बराबर 0 नहीं, सॉरी यहां पर रखना y का मान। तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो अगर आप y का मान 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 4-y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 4 में से 0 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब
एक्स वाई का मान जीरो रखे हैं, वाई का मान कितना रखे हैं, वाई का मान आप जीरो रखे हैं, तो एक्स का मान कितना मिल रहा है आपको, चार मिल रहा है। पहला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब चलते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ। अब वाई का मान क्या रखते हैं, वाई का मान क्या रखते हैं हम, वाई का मान एक रख के देखते हैं। तो चलिए दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, वाई बराबर एक रखने पर, वाई बराबर एक रखने पर, तो चलिए y बराबर एक रखेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चार माइनस y का मान एक रखेंगे तो एक, x बराबर कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। लीजिए अगर आप y बराबर एक रख रहे हैं, y बराबर आप एक रख रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, तीन आ रहा है। लीजिए मिल गया। अब केवल आप इतने से भी कोऑर्डिनेट, मतलब जो आलेख है, ग्राफ है, उसको आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला है अगर तीन बना दिए तो तीन करके देख लेते हैं। अब y बराबर क्या रख दें, दो रख के देख लेते हैं, y बराबर दो रखने पर, ठीक है, y बराबर दो रखने पर, तो y बराबर दो रखिए इस इक्वेशन में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, चार माइनस दो, तो x बराबर चार में से दो को माइनस करेंगे तो आएगा दो। इसका मतलब y का मान आप दो रख रहे हैं, y का मान आप अगर आप दो रख रहे हैं तो x का मान कितना मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो यहां पर दोनों जगह कितना आ जाएगा, दो दो आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं ग्राफ खींचते हैं। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं, एक सेकंड, चलते हैं ग्राफ खींचते हैं। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, हमको कम से कम कोऑर्डिनेट चाहिए थे, मिल गए कोऑर्डिनेट, तो अब इसको हम इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं चार कामा जीरो, क्योंकि x का मान पहले रहता है, वाई का मान बाद में रहता है, तो x बराबर चार, वाई बराबर जीरो। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, तीन कामा एक है, और तीसरा क्या है, दो कामा दो। अब इसकी हेल्प से हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मान कितना है, चार है, तो कम से कम चारों तरफ, चारों दिशाओं में चार चार ले लेंगे। चारों दिशाओं का मतलब होता है ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है, तो इसकी नेमिंग कर देंगे आप, इसको एक्स अक्ष बोल देंगे, इसको वाई अक्ष बोल देंगे, और यहां पर मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो कामा जीरो। ये जो बिंदु जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो कामा जीरो, याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो जीरो कामा जीरो होता है। चलिए अब इसका बनाते हैं हम लोग, पहला कितना, पहले तो नेमिंग कर देते हैं, ये इसका नंबरिंग कर देते हैं, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस दिशा में भी वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, चारों दिशाओं में हमने नाम लिख दिया है। अब ये पॉजिटिव है, वन टू थ्री फोर, ये दोनों निगेटिव में है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये सारे निगेटिव में है, ये सारे किस में है, निगेटिव में है। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट कितना दिया है, चार कामा जीरो, तो यहाँ पे देखिए चार कितना है, चार बोले तो x, x की तरफ आप चार जाना है, तो यहाँ पर आप खड़े हैं, जब भी कोई डिस्टेंस देखेंगे ना तो अपने आप को इसी चौराहे पे खड़ा आप मानेंगे, आप समझ देते हैं कि हम इस चौराहे पे खड़े हैं और हमको x दिशा पे चार जाना है, तो x दिशा एक तो ये है, एक तो ये है, लेकिन ये तो माइनस वाली है, माइनस तो बोल नहीं रहा है, हमको जाना है प्लस की तरफ, तो आप प्लस की तरफ आप चले गए, तो आप इस जगह पर पहुँच गए, इस जगह पे पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। अब y जगह पे कितना जाना है, जीरो जाना है, मतलब y पे जाना ही नहीं है, आपको केवल यही रुकना है। जैसे हमने जो एग्जांपल दिया था, आपको समझाया था जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे थे, कि आपका दोस्त बोलेगा कि चौराहे से तुम लेफ्ट दिशा में कहां तक आ जाओ, चौथी स्ट्रीट तक आ जाओ, चौथी स्ट्रीट तक पहुंच गए आपको। अब y दिशा में आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब जैसे ही आप चौथी स्ट्रीट पर पहुंचेंगे वैसे उसका घर आ जाएगा, तो जब उसका घर आ जाएगा तब आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब y पे कुछ जाना ही नहीं, y मतलब जीरो, जीरो का मतलब नहीं जाना है, तो यही मिल जाएगा बिंदु, मतलब ये जो बिंदु का निर्देशांक होगा वो होगा चार कामा जीरो, और इसका नाम दे देते, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए। ओके चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे हम बात करते हैं दूसरे के तीन कॉमा एक का।
तो x की जगह पे कितना जाना है, 3 किलोमीटर, तो x पे जाइए 3, यहां पर आप आ गए, पहुंच गए। y का कितना जाना है, इस पे y पे जाना है कितना, 1 जाना है। तो अब आपका दोस्त बोलता है कि y अक्ष पर 1 आओ, तो 1 आने का मतलब है आप इधर जाएंगे, और कहां तक जाएंगे आपको पता नहीं है, तो यहां से भी आप एक बढ़ा देंगे तो जो मिलेगा वो बिंदु मिल जाएगा क्या, 3.1। आप निर्देशांक हम अच्छे से आपको समझा चुके हैं कि निर्देशांक आप कैसे फाइंड करते हैं, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा कितना, 3.1। तो देखिए एक बिंदु आपको ये मिला है, एक बिंदु ये मिला है, ये कोई बिंदु नहीं मिला है, ठीक है, यहां पर कोई बिंदु नहीं, एक यहां पर मिला है, एक यहां पर, इसका ए दिए है, इसको बी दे दीजिए, ओके। तीसरा है हमारे पास, वो भी निकाल दीजिए, एक्स 2 है वाई 2 है, तो एक्स की दिशा पे 2 गए और वाई की दिशा पे भी 2 गए, तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु होगा वो इस दिशा पर होगा, मतलब इस बिंदु पर होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, 2.2, और इसको नाम देते हैं सी। अब देखिए ग्राफ खींचना है ना, तो इन्हीं तीनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, और इसको थोड़ा इस तरफ बढ़ा दीजिए, और थोड़ा इसको इस तरफ, ये अक्ष को कटा दीजिए, आपका ग्राफ हो गया। इन केस हम तीसरा बिंदु ना निकालते तो केवल 2 ही बिंदु निकालते, तो भी तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यही से होकर तो जाएगी, ऐसी तो होकर जाएगी ना, तो कम से कम आपको 2 निर्देशांक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा है ना, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर। चलिए बच्चों सेकेंड पार्ट इसका देखिए, देखिए दिया है x माइनस 2 बराबर, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत क्या करेंगे, एक ऐसे चार्ट बना लेंगे, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, x और y, ये कर दिया हम और ये। अब आपको मान निकालना है, तो यहां से x को इधर रखिए, y को उस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, तो x बराबर 2 प्लस वाई, आपको पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 प्लस वाई कर दिया। अब यहां से y का कुछ मान रखिए, y का कुछ भी मान रखिए, तो y का मान यहां से रखेंगे, पहले अगर 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि यहां पे 0 रखेंगे तो 2 और 0 0 हो जाएगा, तो यहां पर 0 रखते हैं, y का कितना मान रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए y बराबर 0 लेने पर, तो जब y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब y बराबर 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको यहां पर रख देंगे आप 2। अब देखिए y बराबर कितना ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, अगर y बराबर आप 1 लेंगे तो देखिए y बराबर 1 लेने पर, तो y बराबर 1 लेंगे तो इस इक्वेशन में यहाँ पे 1 रखिए, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन लिख लीजिए x बराबर 2 प्लस 1, और तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर y बराबर आप 1 लिख रहे हैं, y बराबर आप कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, आ गया समझ में। एक और ले लीजिए, हम माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि काफी प्लस में ले रहे हैं तो एकाध माइनस में ले लेते हैं, सपोज दैट हम y बराबर माइनस 1 ले लेते हैं, तो यहां पर देखिए y बराबर माइनस 1 लेने पर, आप y बराबर 2 ले लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा माइनस लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अलग ग्राफ बने, तो y बराबर माइनस 1 लेने पर, तो माइनस 1 जब लेंगे तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 2 होगा, और यहां पे प्लस है तो प्लस लगाइए, और y का मान कितना लिया है, माइनस 1, तो ये इस प्रकार होगा, बराबर 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, तो 1 कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि y बराबर आप कितना ले रहे हैं, y बराबर आप माइनस 1 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, आपके पास ये कोऑर्डिनेट मिल गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिले हैं, मिला है 2.0, पहला 2.0, दूसरा 3.1, 3.1 और तीसरा जो मिला है वो मिला है 1.-1। यहां से हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये आपका होता है वाई एच, ये आपका होता है एक्स एच, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, चारों दिशाओं में आप 3-3 बना दीजिए, ये वाई है, तो इस दिशा में 1-2-3 कर देते हैं, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 कर दिया हमने। अब हमारे थोड़े डिस्टेंस छोटा बड़ा है, तो आप वहां पर सेम डिस्टेंस रखिएगा,
ठीक है, आपकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही यहां से चारों तरफ एक सेम डिस्टेंस आपको लेना है। तो इसका मान देते हैं, तो ये एक है, दो है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब ये वैल्यू निगेटिव में है, ये वैल्यू निगेटिव में है। अब देखिए पहला हमको ड्रा करना है 2, 0, तो एक्स की दिशा पे आप दो जाइए तो आप यहां पर पहुंच गए, और वाई की जगह, वाई की दिशा आप कुछ नहीं जाएंगे, तो जो यही बिंदु मिलेगा, यही बिंदु मिल जाएगा कितना, 2, 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, तो वाई की तरफ जब कुछ नहीं जाएगा तो ये यहीं पर रहेगा। चलिए एक बिंदु हमको मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, 3, 1 है, तो एक्स की जगह पर आप 3 जाइए, यहां पर चले गए, और वाई की जगह पर आप कितना आएंगे, यहां। तो इसको हम यहां ना करें, क्योंकि इसको जब आप अगर बढ़ाएंगे आगे तो किस जगह पे मिलेगा, इस बिंदु पर मिलेगा, इस बिंदु पर मिल रहा है, और इसका जो निर्देशांक है कितना है, 3, 1 है, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2, 0 है, तो इसको हम लिख लें यहां पर, इस बिंदु का निर्देशांक हम यहां पर दिखा देते हैं, 2, 0, ठीक है। चले लास्ट देखते हैं, 1, -1। अब यहां पर देखिए, एक्स की दिशा पे आप एक जाइए और वाई की दिशा पे -1, तो माइनस इधर होता है कि इधर होता है, नीचे होता है ना, तो नीचे आना, तो पहले एक्स पे जाइए, तो यहां पर पहुंच गए आप। अब आपको -1 की तरफ जाना है, तो यहां से आप नीचे आएंगे, तो किस दिशा, यहां पर, क्योंकि इधर से जाएंगे तो इस दिशा में मिलेगा, तो इसका जो मिल गया, यह बिंदु का निर्देशांक मिला है कितना, 1, -1। अब देखिए तीन बिंदु कौन कौन से मिले उसको ध्यान रखिएगा, एक ये मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है, इन तीनों को क्या कर देंगे, इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे काटता हुआ बढ़ा देंगे, यही आपका ग्राफ हो गया, बस सिंपल इतना करना था आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, ये दिया गया है वाई बराबर 3x, ग्राफ बनाना है, तो बिना किसी देरी के आप ऐसे एक चार्ट बना लीजिए, बना लिया हम एक चार्ट, ये ठीक है, एक और बना लेते हैं, ये मान x, ये मान y, ओके। यहां पर y दिया है, y बराबर 3x दिया है, तो मतलब x का मान यहां पर हमको रखना है। तो अगर हम देखें यहां पर ध्यान से, x बराबर अगर 0 रख दें, x बराबर कितना रख दें, 0 रख दें, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0 लेने पर, अब हम यहां पर x का मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x का मान हमको यहां पर है, y का मान निकालना है तो x का मान रखेंगे, तो y बराबर 3 × 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब x का मान 0 रख रहे हैं, तो x का मान 0 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ रहा है, 3 × 0 में करेंगे तो 0 होगा ना, तो y का मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। पहला, दूसरे शर्त पर जाए हम लोग, तो दूसरी शर्त पे अगर जाएंगे तो y बराबर कितना रख दें, 1 रख दें, x बराबर 1 रख दें, x बराबर 1 लेने पर, तो अगर y बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 × 1, क्योंकि x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पर x का मान अगर 1 ले रहे हैं आप, तो y का मान कितना आ रहा है आपको, 3 आ रहा है, समझ में आ गया। चलिए एक और निकालते हैं तुरंत। अब देखिए यहां पर, अब हम ले लेते हैं y बराबर 2 ले ले तो 6 आ जाएगा मान, तो y बराबर 2 ले लेते, x बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लेने पर, तो y बराबर जब 2 लेंगे तो x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 × 2, तो y बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो x का मान 2 है तो y का मान 6 है। तुरंत आप ग्राफ पेपर बनाएंगे, ये y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, इसको x अक्ष नाम दे दीजिए, इसको y अक्ष नाम दे दीजिए। अब इसमें मैक्सिमम जो मान है वो कितना है, 6 है। इसके जो निर्देशांक बन रहे हैं, पहला निर्देशांक बन रहा है 0, 0, दूसरा निर्देशांक बन रहा है 1, 3, और तीसरा निर्देशांक बन रहा है 2, 6। 0, 0, 1, 3, 2, 6 लिख दिया हमने। अब जो मैक्सिमम मान है वो है 6, तो चारों दिशाओं में 6 बना दीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पर छः करेंगे, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब माइनस में है, सॉरी ये माइनस में नहीं रहेगा ना, क्योंकि वाई एच पर नीचे निगेटिव रहता है, ठीक। अब आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो देखिए पहला दिखाना है आपको 0 0, तो 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, मतलब x का मान भी 0 दिखाना है, y का मान भी 0 दिखाना है। तो जब कभी भी ऐसी शर्त आए 0 0, हमेशा यही बिंदु होता है, क्योंकि इसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो आपको जो पहला बिंदु मिल गया है वो मिल गया है ये वाला, इसका नेमिंग कर देते हैं ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा हमको करना है 1 3, तो एक्स दिशा पर एक जाइए, एक दिशा पर आप एक यहां पर आए, वाई दिशा पर आपको 3 जाना है, तो वाई दिशा पर आप 3 गए, और ये दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे यहां पर मिलेंगे, क्योंकि इधर बढ़ाएंगे तो ये आएगा, इधर बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदु का मिलाएगा, और इस बिंदु का जो निर्देशांक बनेगा वो कितना बनेगा, 1 3, और इसका नाम हम दे देते हैं बी 1 3। आगे बात करते हैं 2 6, मतलब एक्स दिशा पर आप 2 जाइए और वाई दिशा पर आप कितना जाएंगे, 6 जाएंगे यहां पर, क्योंकि इधर से जाएंगे यहां पे और इधर से आएंगे तो यहां पर, तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो कितना होगा, 2 6, और इसको माने बिंदु सी। अब देखिए 3 बिंदु आपको कौन कौन से मिले हैं, ए बी सी, इन्हें को क्या करिए, स्ट्रेट लाइन से आप मिला दीजिए, आपको जो ग्राफ बनेगा आपके सामने ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, केवल ऐसे ग्राफ आपको निरूपित करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक पार्ट बचा है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए बच्चों लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये दिया गया 3 2x + y, आपको उल्टा दे दिया है, अगर इसको ऐसे हम रीअरेंज कर ले, इसको लिख सकते हैं 2x + y = 3, इसको इस तरफ ला दिए, इसको इस तरफ ला दिए, लिख सकते हैं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर इसका पक्षांतर किए हैं तो चिन्ह बदल दीजिए, तो आप याद रखिए कि अगर एक तरफ का पक्षांतर करते तो चिन्ह बदलते, दोनों का पक्षांतर हुआ है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब दोनों दिशाओं के नंबर चेंज करते हैं तो कभी चिन्ह नहीं बदलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्या करिए, वाई का मान निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x के साथ गुणांक है इसलिए x का नहीं, y इधर रखेंगे, x को ट्रांसफर कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 3 - 2x। अब आप तुरंत आप एक टेबल बना लीजिए, ये x y, यहां पर 2 मान, चलिए एक मान और ले लेते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। अब y बराबर कितना, x बराबर कितना ले, x बराबर हम पहले 0 लेते हैं, अगर x बराबर आप 0 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2 × 0 होगा, तो 3 - ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अगर आप x बराबर 0 ले रहे हैं, x बराबर आप 0 ले रहे हैं, तो y का मान आ गया कितना, 3 आ गया। चलिए ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, y बराबर, देखिए x बराबर यहां पे 0 लिया, अब x बराबर 1 ले लीजिए, जब x बराबर 1 लेंगे तो 3 - 2 x का मान आप कितना ले रहे हैं, आप x का मान आप 1 ले रहे हैं, तो 1 करेंगे तो 3 - 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो अगर x का मान आप 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना निकल कर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 में से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा, और 3 में से 2 निकलेगा तो 1। अब तीसरे को देख लीजिए तुरंत, अब y बराबर 2 ले लीजिए, कितना ले लीजिए, x बराबर 2 ले लीजिए, x बराबर अगर आप 2 लेंगे तो यहां पर देखिए x बराबर 3 - 2 × 2 लिए हैं तो 2 कर दीजिए, तो ये 3 ही रहेगा, -2 × 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है, 4 है, तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर अगर आप 2 ले रहे हैं तो y का मान कितना आया है, -1 आया है,
ओके। अब इसी को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, चलिए तुरंत करते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष पे है, और इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो तीन है, इसलिए चारों दिशाओं में हम तीन तीन बना लेंगे, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। ये निगेटिव में रहेगा, ये भी निगेटिव में, वन टू थ्री, ओके बनाते हैं। अब इसका जो ग्राफ आया है हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट आया, वो कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा तीन है, जीरो कॉमा तीन, एक कॉमा एक, एक कॉमा एक है, और कितना है, दो कॉमा दो कॉमा माइनस एक है। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो चलिए पहला क्या है, जीरो कॉमा तीन मतलब एक्स का मान कितना है, जीरो, तो इसका मतलब एक्स का मान जीरो है, तो ये यहीं पर रहेगा। इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए, जब एक्स, ये हमारा एक्स दिशा है, ठीक है, ये एक्स दिशा पॉजिटिव है, इधर जाएंगे तो एक्स दिशा निगेटिव है, ये वाई दिशा पॉजिटिव, वाई दिशा निगेटिव। अब हमसे कह रहा है एक्स दिशा पर आप कितना जाना है, जीरो, तो हम यही एक्स दिशा पे जीरो पे खड़े हैं और बोल रहा है आपको जीरो जाना है, तो भाई अब जीरो पे खड़े हैं तो जीरो हम कैसे जाएंगे, तो इसका मतलब इस जगह से हम हीले डूलेंगे ही नहीं, ओके। अब ये बोल रहा है कि वाई दिशा पर आप तीन जाइए, तो अब एक्स दिशा यही है, अब वाई दिशा पर हमको तीन जाना है, तो हम वाई दिशा पर हम तीन जाएंगे, तो यहां पर पहुंच गए इस दिशा, ठीक है, यहां पर पहुंच गए। तो बिंदु का निर्देशांक कौन होगा, इस दिशा में हम चले हैं ना, तो बिंदु का निर्देशांक ये ना होकर कौन सा होगा, ये होगा, तो इसको हम मानेंगे क्या, जीरो कॉमा तीन, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, एक कॉमा एक, एक्स दिशा पर आप एक जा रहे हैं और वाई दिशा में भी आप एक जा रहे हैं, और इनका दोनों का मिलन बिंदु ये आएगा, क्योंकि x पे भी आप एक गए, y पे भी आप एक गए, और इनको जब मिलाएंगे तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसको इस तरफ बढ़ाएंगे, तो दोनों यही बिंदु पर काटेंगे, तो निर्देशांक यही हो जाएगा। तीसरा, दो कॉमा एक, इसका दे दें तो ये एक कॉमा एक है, इसका नाम दे देते हैं बी बिंदु। तीसरा क्या है, दो कॉमा एक मतलब x की दिशा पर आप दो जाइए तो आप यहां पर पहुंच गए, और y की दिशा पर आप माइनस वन आना, तो माइनस वन का मतलब नीचे जाएंगे ना, तो माइनस वन का मतलब ये। अब इन दोनों का जो मिलन बिंदु होगा, तो इसको यहां से करेंगे और इसको यहां से करेंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसका कोऑर्डिनेट है दो कॉमा माइनस एक। इन तीनों को क्या कर दिए दीजिए, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ये देखिए बन गया आपका ग्राफ, बस ऐसे ही ग्राफ आपको बनाना है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, और ग्राफ बनाना आप अच्छे सीख लीजिएगा, क्योंकि जब हाई स्कूल में जाएंगे आपको तो ग्राफ का काफी ज्यादा यूज है, ठीक। अभी इसमें भी आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, अभी आपका ग्राफ से पीछा छूटा हुआ नहीं है, लेकिन आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, जो बाकी बातें होंगी वो कल की क्लास में रखेंगे। थैंक यू।